हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे। गाइस, दीज आर द टाइमलेस एनर्जी शिफ्ट। आप इन एनर्जीज को जब भी देख रहे हैं, प्रोबेबली ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। गाइस, एंड ऑल्सो दीज आर द जनरल रीडिंग्स। यहाँ से बहुत सारी बातें आपके साथ हो सकता है रेजोनेट ना भी करें, तो जितनी बातें भी आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिएगा गाइस, एंड रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड हियर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो द वर्ल्ड, एस ऑफ समर एंड द स्टार। तो यहाँ पर विद द वर्ल्ड एनर्जीज जो एक वाइब मुझे यहाँ पर सेंस हो रही है कि आपने आइदर किसी पर्सन से वॉक अवे करने की कोशिश की है, तो यही आपके पर्सन एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं कि जो आप इनसे ऑल ऑफ अ सडन वॉक अवे हो गए हो, या फिर आपने कम्युनिकेशन में ब्रेक लगा दिया है। तो ये जहाँ से भी आप पर एक स्पाई बनाकर रख रहे हैं, ये आपको शायद नोटिस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप एक हीलर हो, अपने ही अंदर आप एक हीलर हो। आपको शायद इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा जितना इनको फर्क पड़ रहा है, और बहुत लोगों के लिए अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो ये जो पर्सन है आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, यानी कि आप दोनों का जो एक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है, उसकी शुरुआत अभी अभी हुई है। और आपको अगर ये पर्सन बहुत ही लीस्ट वे में समझते हैं, या फिर जितना भी आपको जानते हैं, वहां से ये इतना समझ सकते हैं एटलीस्ट कि यू आर काइंड ऑफ अ हीलर पर्सन, और आप किसी भी सिचुएशंस को बहुत ही इजीली टैकल कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारे वेज में एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। किसी के जाने से या फिर किसी से एक डिस्टेंस बना लेने में आपको ज़्यादातर तकलीफ नहीं होती, ज़्यादातर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत ही कंफर्टेबली अपनी लाइफ में वापस से कम बैक कर सकते हो, यू नो, इफ़ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप। तो इस पर्सन के परसेप्शन से मैं बता रही हूँ आपको कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही इजी वे में डील करते हो। इन्हें एक्चुअल में नहीं पता कि आपने अपनी लाइफ में कई सारी ऐसी सिचुएशंस को भी फेस किया है जहां पर आपके लिए भी मूव ऑन करना या फिर किसी सिचुएशन को हैंडल करना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अब ये जो आपकी पर्सनालिटी बिल्टअप हुई है, यू आर अ वेरी चेंज्ड पर्सन, मैच्योर्ड पर्सन, और इसी पर्सनालिटी से जो ये आपके पर्सन है शायद यही एक परसेप्शन बना रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव आपके बारे में यही रख रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, आप अपनी लाइफ में आराम से फोकस कर पा रहे हो। अगर आपने इनसे एक डिस्टेंस बना भी लिया है तो यू जस्ट रियली डोंट केयर अबाउट दैट थिंग, यू नो। तो जैसे कि इस कार्ड में लिखा हुआ है, अ ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शंस, अ जर्नी दैट इज नाउ कम्प्लीट। तो जरूर, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आप ना तो किसी एंडिंग से डरते हो, या फिर आप अगर चाहें तो किसी भी डायरेक्शन को चूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनकी थिंकिंग एग्जैक्टली ऐसी जा रही है आपके बारे में, बट फीलिंग्स वाइज ये आपके लिए एस ऑफ समर की एनर्जीज में बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है, ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप्स और द रीबर्थ ऑफ अ करंट वन, द अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल एपिफेनीज। तो इसका मीनिंग यही है कि आपके पर्सन अभी एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं कि इस पर्सन को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ रहा है, मैं इस पर्सन के बगैर नहीं रह सकता, या फिर जो भी एक शुरुआत हुई है वो शायद बहुत ही ब्यूटिफुली जा रही थी, ऑल ऑफ अ सडन एक ब्रेक लग गया। तो शायद यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से मैं इस पर्सन को वापस से कम बैक कराऊँ, मना लूँ इनको, क्योंकि मैं इस पर्सन को खोना डिजर्व नहीं करता। मतलब ये अगर न्यू पर्सन है तो, अगर ओल्ड कनेक्शन है, अगर आपका एक चेंज्ड बिहेवियर ये देख रहे हैं कि आपको अगर फर्क नहीं पड़ रहा है पहले की तरह, तो शायद ये अब एक शुरुआत यहाँ पर लाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एंड नहीं करना चाहते, या फिर आपको रूठा हुआ ये नहीं देख सकते। फाइन, आपकी वर्थ एंड वैल्यू यहाँ पर मैटर करती है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन हो सकता है आपसे बहुत प्यार करते होंगे गाइस, विद द स्टार एनर्जीज आप इनके लिए एक होप हो, उम्मीद हो। ये अपनी लाइफ के किसी भी एरिया पर बने हुए हैं, वहाँ पर हो सकता है इनकी जो जिंदगी का एक जो फेज चल रहा है वो इतना हैपनिंग नहीं होगा। दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अभी अभी ये किसी प्रॉब्लम से निकले हैं, तो अब आगे ये किसी ऐसे पर्सन के साथ शुरुआत रखना चाहेंगे जो लाइफ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो,
यानी कि जैसे कि मैंने कहा, आपने अपने लाइफ के बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस देखे हैं जहाँ पर आपने पेन से बहुत कुछ लेसन्स लर्न किए हैं, और हो सकता है इनको भी आप कई सारे वेज में बहुत सारी बातें समझाते होंगे। यू आर काइंड ऑफ अ टीचर फॉर दिस पर्सन, राइट? तो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे आप इस पर्सन से। तो आपका जो एक ऑरा है, आपका जो एक पर्सोना है, एटीट्यूड है, वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इनके जो भी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे होंगे, इन्होंने ऐसे ही लोगों से एक डील किया होगा जो आइदर इमेच्योर थे या फिर लाइफ को इतना अच्छे से नहीं समझते थे। यू नो, बात बात पर वो एक जो क्लिंगिंग एटीट्यूड रहता है, जो बिहेवियर रहता है, तो अगर ऐसे लोगों को ये ऑलरेडी डील कर चुके हैं तो आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हुए हैं। आपकी जो एक मैच्योर पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे आप, इसीलिए शायद ये आपको एक हीलर की तरह देखते हैं कि अब आप चीज़ों को इस हद तक दिल पर नहीं लेते हैं क्योंकि आप संभल गए हो अपनी लाइफ में, यू नो। तो ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, इनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसा ये सोचेंगे कि अगर मैं इस पर्सन को खो देता हूँ या खो देती हूँ अपनी ज़िंदगी से तो मेरा ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अगर ये वॉक अवे हो भी गए हैं तो मुझे इन्हें मनाना चाहिए। आपके पर्सन की एग्जैक्ट थिंकिंग इसी वे में जा रही है। यहाँ पर द स्टार वाली एनर्जीज ये कहती हैं, लुक टू द फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। तो एक जो वो कहते हैं ना, जो टैंट्रम्स होते हैं रिलेशनशिप्स में, यू नो, दोस काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर शायद नहीं चल रही हैं। अगर ये जो पर्सन है, इन्होंने अगर आपको टेस्ट करने के लिए भी आपसे अगर इन्होंने एक समझ लो डिस्टेंस बना लिया है, तो ये पर्सन सोच रहे होंगे कि ये जो मेरा पैंतरा है ये तो काम ही नहीं कर रहा है। अगर मैं रूठ रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई मनाने के लिए आ ही नहीं रहा है। ये बहुत मतलब रेयर केसेस में होगा गाइस, जो भी मैं यहाँ पर एक वाइब पिक कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है, इसीलिए ये वाइब मुझे पिक हुई। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो मे बी इन्होंने ऐसी सिचुएशन जानबूझकर क्रिएट की, आपको हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा दिलाया होगा इन्होंने कुछ अपनी ऐसी हरकतों से, कि आपका वल्नरेबल साइड देखने के लिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो आपका रिएक्शन जब कोल्ड इन्हें मिलने लगा कि आपने इनके बनाए गए बहाने पर इतना ज़्यादा अगर अटेंशन नहीं दिया है, कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने नहीं रखा, तो अब ये इस चीज़ के लिए पछता रहे हैं कि इन्होंने ट्राई तो किया आपका एक अटेंशन गैदर करने के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा काम डाउन हो। यू आर बीइंग दैट पर्सन जो सब कुछ भांप लेते हो, कोई ड्रामा वगैरह आपके सामने बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप ऐसी पर्सनालिटी ने शो हो रहे हो कि ये जो मेरा ड्रामा है ये पूरी तरीके से फ्लॉप चला गया, अब मुझे शायद अपने रियल अवतार में कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ तो मैं इस पर्सन को खो दूंगा, जो कि मेरा ही लॉस है, एट द एंड मेरा ही लॉस है। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, तो इसीलिए ये विद द थ्री ऑफ कप्स आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक करेंगे। अभी इनका एटीट्यूड शायद एक किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में बन रहा होगा, लेकिन ये आप पर वर्क नहीं कर रहा। आपका वॉक अवे करना रीजन कुछ और ही है। तो वो कहते हैं ना, आपको एक बहाना मिल गया इस पर्सन से कुछ देर के लिए ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि आप अपने लाइफ की किसी अदर एरिया पर फोकस कर रहे हो। और मीनवाइल इस पर्सन ने भी ऐसा कोई सिनेरियो आपके लाइफ में क्रिएट कर दिया होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर फायदा आप ही का हुआ कि आपको टाइम मिल गया कि आप दोनों सिचुएशंस को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड भी कर सकोगे, और आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूजन्स हैं उन कन्फ्यूजन्स पर आप वर्क कर सकोगे, इजंट इट। तो यहाँ पर कुछ और एनर्जीज हैं, द एल्केमिस्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। टोटली आपके हाथ में कंट्रोल है अभी कि आप किस डायरेक्शन पर फोकस करना चाहते हो। और ये जो पर्सन है, जो भी एक न्यू पर्सन होंगे आपके लाइफ में, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर ये ओल्ड पर्सन है, अगर ये आपके मैस्कुलिन ही हैं, तो आपका एक चेंज्ड ऑफ बिहेवियर इन्हें आजकल देखने को मिल रहा है। तो ये जहाँ से भी देख रहे हैं, सारी बागडोर आप ही के हाथ में है। यू आर बीइंग द एल्केमिस्ट हियर, और इस कनेक्शन को कैसे ले जाना है, क्या करना है इस कनेक्शन पर नेक्स्ट, एक चांस इन्हें मिलेगा या नहीं, ये टोटली आप डिसाइड करोगे। और ये आपको इन्हीं एनर्जीज में एग्जैक्टली देख रहे हैं कि आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो, मतलब आपके साथ वो ड्रामा नहीं चल रहा है इनका। जैसे कि मैंने कहा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आप बैठे हुए हो, ना तो आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है, ना ही आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, सारी अथॉरिटी आप
के हाथ में आपने ले ली है, भले ही कोई आपको अथॉरिटी दे रहा है नहीं दे रहा है, दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसी पोजीशन अचीव कर ली है कि कोई अगर आपको खोने के बारे में सोचता भी है तो वो उसी का नुकसान है. गेटिंग माय पॉइंट ना? तो वो पर्सनालिटी आपने अपने अंदर बिल्टअप की है कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता, लोगों को आप ऐसे दिखाई दे रहे हो. तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ गाइज कि आपने अपने अंदर ऐसा एक पर्सोना बिल्टअप किया है कि आप सामने वाले को डरा सकते हो. मतलब ये जाहिर करवा सकते हो कि अगर आप मुझे लूज कर रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप मुझे लूज आउट करते हो तो नुकसान वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप ही का होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा. आप ऐसे शो भी हो रहे हो और इस पर्सन की एग्जैक्ट थॉट्स आपको लेकर यही मुझे शो हो रही है यहाँ पर. जजमेंट वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि हो सकता है जब ये आपके पास कम बैक करें तो टोटली आप ही के हाथ में फैसला होगा कि इस पर्सन का आपने करना क्या है, यानी कि आप इन्हें एक और मौका दोगे या नहीं, इट्स टोटली अप टू यू गाइज. गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट वाली एनर्जीज में ये बने हुए हैं. जैसे कि मैंने कहा कि अभी अगर इनकी वजह से आप दोनों एक सेपरेशन में चले गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया था और आपने इनसे बात करना इधर बंद कर दिया, आप एक हर्मिट जोन में चले गए हो, तो ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में देख रहे हैं और ये आप पर गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते. विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज ये लड़ना चाहते हैं, फाइट बैक करना चाहते हैं. और इवन अगर आप दोनों एक सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो और वहाँ पर ये ऐसी कुछ पोस्ट वगैरह देख रहे हैं जहाँ पर इनकी कंपटीशन में कुछ और भी लोग हैं, कुछ और भी लोग शायद आपको लाइक करते हैं, या फिर ऐसे कुछ सिनेरियोज अगर इन्हें शो हो रहे हैं तो ये बात भी इन्हें शायद परेशान कर रही होगी. इसीलिए ये आपको विन बैक करने की कोशिश कर रहे होंगे गाइस, क्योंकि ये आपसे एक सेपरेशन में बिल्कुल रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझते हैं. और बहुत सारे अदर सिनेरियोज में अगर एक सिचुएशन ऐसी भी है जहाँ पर इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एंड नहीं हो पाई है और इस वजह से अगर आप वॉक अवे हो गए हो कि पहले आप उन सारे सिनेरियोज को पूरी तरीके से फिनिश कर लो, कंप्लीट कर लो, फिर आप मेरी लाइफ में कम बैक कर सकते हो, अगर ये कहकर आप वॉक अवे हुए हो गाइस, तो मे बी दे आर रियली ट्राइंग वेरी हार्ड कि ये अपने लाइफ के अदर एरियाज पर भी पूरी तरीके से वर्क कर लें, लेकिन इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ये खोना डिजर्व नहीं करते, यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकते. आपको खोना सच में इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. आप इनके लाइफ की एक लास्ट होप हो, आप जैसा पर्सन शायद इनकी लाइफ में कभी नहीं आ सकता गाइस. तो यही इनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स हैं आपको लेकर. आपने जो भी इन्हें टास्क दिए हैं, जो भी आपने इनसे कहा है, ये उन सारी चीज़ों को कॉन्कर करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं. ओके, तो वेयर दिस एनर्जी इज लीडिंग, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. तो मैंने जैसे कि आपको बताया भी कि ये सिचुएशन हील हो रही है, ये पर्सन ज़रूर कोशिश करेंगे आपको मनाने की, एंड जो भी आपने इनसे एक डिमांड रखा है, भले ही एनर्जी वाइज या फिर जो भी आपने इनसे कहा कि अपनी लाइफ के इन एरियाज पर आप वर्क कर लो, जब आप पूरी तरीके से एक कामयाब इंसान मुझे नज़र आते हो, जो भी आपने टास्क दिए होंगे इन्हें, तो वहाँ पर अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ऑफकोर्स एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में एंटर कर रही है. इवन हमने देखा था विद द एस ऑफ समर एनर्जीज के ये पर्सन आपके लिए हो सकता है एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहे हैं. आपकी कही हुई बातों को ये मान कर चल रहे हैं, क्योंकि आप इनके लिए किसी एक अचीवमेंट से तो कम नहीं हो और ये अपना दी बेस्ट इस कनेक्शन पर रखने की कोशिश कर रहे होंगे गाइस. विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज एंड मीनवाइल सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कहती है कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन बनी हुई है उस सिचुएशन का फाइनल यहाँ पर एंड आने वाला है. मुझे यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ फेमिनेंस की वाइब पिक हो रही है, ये जो कनेक्शन है गाइस ये टोटली आपकी मर्जी पर टिका हुआ है. अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग लेकर आते भी हैं तो आपको देखना ये होगा कि आपकी इंट्यूशंस क्या कहती हैं, क्योंकि इंट्यूशंस के हिसाब से ही आप इस पर्सन से वॉक अवे हुए हो कि कुछ तो शायद सही नहीं बैठ रहा है, एनर्जी वाइज सही नहीं बैठ रहा है या फिर इंट्यूशनल वाइज कुछ सही नहीं बैठ रहा था. और इस दौरान अगर इस पर्सन ने ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट की है तो आपको वॉक अवे होने का चांस मिल गया, तो आप चले गए होंगे. तो कम बैक करना है या नहीं
ये टोटली आप ही के हाथों में है। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन से आप उस पर्सन तक रीच हो सकते हो जहां पर आप बिलोंग करते हो गाइस। और क्या पता अगर ये आपके मैस्कुलिन नहीं है तो आप अपनी लाइफ में जिस किसी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अगर आपके मैस्कुलिन है और जो 5D लेवल पर एक कनेक्शन आपका उसी पर्सन के साथ बन रहा है, एक स्पिरिचुअल यूनियन अगर आप लोगों की वहाँ पर बन रही है, तो यस ऑफ कोर्स आपको उसी पर्सन को चूज करना होगा, क्योंकि एक रिलेशनशिप को आपको इवेंचुअली एंड करके दूसरे कनेक्शन पर आगे बढ़ना है, राइट? तो कहने का ये मतलब है अगर वो जो रिलेशनशिप है जिसको आप एंड नहीं कर पा रहे हो वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, तो ज़रूर अगर आप एंड नहीं कर पा रहे तो उनके साथ आपका कोई कर्मा अभी भी बच रहा है, इसलिए आप एंडिंग नहीं कर पा रहे हो। और ये अगर आपके मैस्कुलिन है इसलिए आप इनको पूरी तरीके से एक चांस नहीं दे पा रहे हो। इंट्यूशन इसलिए आपका काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी भी कार्मिक लेवल्स पर कुछ गिव एंड टेक आपका आपके कार्मिक पार्टनर के साथ बच रहा होगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है गाइस, और इसीलिए मैं कहती हूँ जब तक आपके कर्माज पूरी तरीके से हील नहीं होते हमारे कार्मिक पार्टनर्स के साथ, तब तक हम किसी भी पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग में पूरी तरीके से नहीं आ सकते, क्योंकि डिले होना शुरू हो जाता है या फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बननी शुरू होती हैं कि आपको वापस से पुश बैक किया जाता है अपने कार्मिक पार्टनर की तरफ कि आपको उसी पर्सन के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो ये आपकी सिचुएशन है, और अगर आप जिस किसी के साथ भी एंडिंग नहीं कर पा रहे हो तो समझ लीजिएगा कि देर इज स्टिल समथिंग अनफिनिश्ड। तो ज़रूर इस पूरी एनर्जीज के साथ मैं यही आपको कंक्लूजन देना चाहती हूँ गाइस। बहुत लोगों के सिनेरियो में अगर ये आपके मैस्कुलिन हैं तो आपको किसी एक कनेक्शन को एंड करके इस पर्सन के पास कमबैक करना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं और आप ही इनके लिए फाइनल होप हो, राइट? और मीनवाइल इनकी भी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिनेरियोज एक एंडिंग चाह रहा है, तो इनसे भी कह सकते हो आपके आप भी अपने थर्ड पार्टी के साथ एक एंडिंग रखिए, फिर हम दोनों म्यूचुअली एक डिसीजन पर आते हैं और एक नई शुरुआत हम रख सकते हैं, क्योंकि आप ही एक एल्केमिस्ट हो यहाँ पर। आप जैसा चाहोगे वैसा ही ये जो कनेक्शन है प्रोसीड होगा गाइस। ये जो पर्सन है अगर ये आपके मैस्कुलिन है, मैं ये भी कहूँगी कि इस पर्सन की लाइफ में भी अगर एक थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं और ये भी एंडिंग वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं तो इनका भी उस पर्सन के साथ कार्मिक लेवल पर कुछ बच रहा है। तो कुछ टाइम लेना चाहिए आप दोनों ही को और अपने करंट रिलेशनशिप्स को आइदर एंड करने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर वो रिलेशनशिप बिल्कुल ही टॉक्सिक है, अनसर्विंग है, तो वहाँ से एक एंडिंग जब तक आप नहीं करते, जब तक आप वहाँ पर स्टक रहोगे तो एक नई शुरुआत जैसे आप चाहते हो वो नहीं हो पाएगी, राइट? तो यही था कंक्लूजन के तौर पर। आप लोगों को एक टाइम लेकर इंट्यूशंस पर काम करना चाहिए और इंट्यूशंस के तहत ही अपने लाइफ के डिसीजंस को लेना चाहिए। इस पर्सन से भी आप यही कह सकते हो कि आप भी अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप एक एफर्ट रखिए, फाइन? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, वी नो दैट, लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं? बिना हमारे करंट रिलेशनशिप्स को पूरी तरीके से एंड किए क्या हम एक नई शुरुआत रख पाएंगे? द आंसर इज नो। यू गाइज हैव टू एंड द करंट रिलेशनशिप, तभी आप एक नई शुरुआत रख सकते हो, फाइन? तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। इस पर्सन की ब्यूटिफुल सी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जरूर जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।